बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद किचन विद्रुख। तो आज किचन विद्रुख में बन रही है बहुत ही यमी सिया चिकन। तो चिकन हम बहुत ही टेस्टफुल तैयार करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसकी मैरिनेशन करूँगी। तो मैरिनेशन के लिए मुझे चाहिए विनीगर यानी कि सफ़ेद सिरका, और इसमें तकरीबन 2 चम्मच के बराबर मैं इसमें डालूँगी सिरका, 2 टेबलस्पून मैंने लिया है। आप देख सकते हैं कि डोंगे वाला चम्मच मैंने लिया था, ये 2 टेबलस्पून सिरका है जो मैंने भर के इसमें ऐड कर दिया है। इसके अलावा इसमें जाएगा काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, अभी मैंने इसमें मैरिनेशन में ऐड कर रही हूँ, और तकरीबन 1/4 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। चिकन के बराबर का हम ऐड नहीं कर रहे, बहुत कम मैं इसमें सिर्फ मैरिनेशन के लिए ऐड कर रही हूँ। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम छोड़ देंगे तकरीबन 1/2 से 1.25 घंटे के लिए। तो चिकन को हम साइड पे कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इसकी मैरिनेशन तैयार करूँगी दूसरे वाली, जो कि हमने पेस्ट तैयार करना है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने लेना है 1 टीस्पून खसखस, यहाँ पे बादाम या काजू ले सकते हैं हम, और मेरे पास इस टाइम जो है काशें पड़ी हुई हैं बादाम की, मैं वो ऐड कर रही हूँ। तो 1 टीस्पून ही हम इसमें ऐड कर देंगे काशें बादाम की। यहाँ पे खोपरा है मेरे पास, खोपरा ऐड करेंगे 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हम इसमें तिल ऐड करेंगे। बहुत ही यमी सी मज़ेदार सी ये चिकन कढ़ाई तैयार होती है। ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मस्ट आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे है मेरे पास खरबूजे के बीज, 1 टीस्पून मैं इसमें ये ऐड कर रही हूँ, और अभी हम इन सब चीज़ों का पेस्ट तैयार कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें पानी ऐड करके पेस्ट तैयार कर लें, या फिर दही ऐड करके कर लें, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें ऐड करूँगी क्रीम, तो इसका मैं पेस्ट तैयार करूँगी क्रीम ऐड करके। अगर आपके पास क्रीम नहीं है बाज़ार वाली, तो आप घर की जो बलाई होती है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो पेस्ट तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो पेस्ट आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छा सा तैयार कर लिया है। तो इसको हम साइड पे करेंगे। अभी हम लेंगे एक और बॉल और इसमें हम ऐड करेंगे प्याज जो कि फ्राई हुए हैं। 2 मीडियम साइज के प्याज थे जिनको मैंने फ्राई कर लिया था। फ्राई करने के बाद हमने इसमें ऐड कर देना है 2 टेबलस्पून बलाई, तो ये मैंने ले ली थी, ऐड कर देंगे। तो यहाँ 4 से 5 मैं दही के चम्मच लूँगी, बड़े वाले आप देख सकते हैं। तो इसका भी हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो पेस्ट तैयार करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे 1/2 घंटा हो चुका है, मैं इसमें ऐड करूँगी अपने जो हमने मैरिनेशन लैदा तैयार की थी। इनको हम इकट्ठा भी पीस सकते थे, लेकिन इकट्ठे में वो मज़ा नहीं है। जो लैदा पेस्ट तैयार होगा तो बिल्कुल फाइन पेस्ट तैयार होंगे। तो ये आप स्किप मत कीजिएगा, आप भी अलहदा से ही सारा पेस्ट तैयार कीजिएगा। तो यहाँ पर ऐड किया है जो मैंने प्याज का बनाया था मैरिनेशन, और ये मैंने ऐड किया है जो हमने ड्राई फ्रूट का मैरिनेशन तैयार किया था। तो अभी मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूंगी, बहुत सिंपल से हैं। तो यहाँ पे जाएगी 1 टीस्पून के बराबर सफ़ेद मिर्च, 1/2 टीस्पून में इसमें ऐड करूंगी काली मिर्च का पाउडर, क्योंकि हमने पहले भी इसमें ऐड किया था, या आपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं आप इसमें। इसके अलावा इसमें जाएगा, आप चाहें तो जीरे का पाउडर ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें जीरा होल ऐड करूंगी, मुझे इसमें बहुत अच्छा लगता है होल जीरा, तो मैं इसमें भर के 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा इसमें जाएगा कुटी लाल मिर्च, बहुत कम मिकदार में इसमें ऐड करूंगी, बहुत अच्छी इसकी जो है लुक वो आती है इससे। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इलायची का पाउडर जाएगा 1/4 टीस्पून। इसके अलावा मेरे पास जायफल जावित्री का पाउडर है, वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1/2 टीस्पून के बराबर। तो ये सारी हमारी मैरिनेशन थी, अभी इसमें मैं नमक ऐड करूँगी और इसको हम मिक्स कर लेंगे।
तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। तो अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसको हम फिर से 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ मैं मेन आइटम भूल रही थी, मेरे पास अदरक मिर्ची का और लहसुन का पेस्ट है, 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें ऐड किए हैं। तो ये भी हम ऐड करके इसको मिक्स कर देंगे और फिर हम इसको रख देंगे तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं। बहुत अच्छी ये चिकन कढ़ाई हमारी तैयार होती है। तो आधे घंटे बाद हम आपसे मिलते हैं। तो तवा हमने चढ़ा दिया है, अभी हम इसको चिकन को जो हमारा मैरिनेट हो चुका है इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ मैं लूँगी घी, आप ऑयल में भी बना सकते हैं। तो चिकन के हिसाब से आपने घी ले लेना है। यहाँ मैंने 4 टेबलस्पून भर के लिए हैं। तो चिकन की मैरिनेशन से हमने चिकन पीस निकालने हैं और हमने इसको रख देना है तवे के ऊपर। तो चिकन के सारे पीसेस हमने तवे के ऊपर रख दिए हैं, आप देख सकते हैं। अभी हम इनको फ्राई होने देंगे और जो इसकी मैरिनेशन बच गई है वो हमने अभी रख लेनी है। ये आपको आगे बताएंगे कि हमने इसका क्या करना है। अभी हम सारे चिकन को जो है पलट देंगे ताकि ये हर तरफ से इसको कलर आ जाए अच्छा सा। एक एक करके हमने सारे पीसेस पलट लेने हैं और इसको फिर से कुक होने देना है ताकि इसके जो हम पलटेंगे उसके नीचे भी कलर आ जाए। तब तक हमने इसको कुक करना है। तो चिकन हमारा आप देख सकते हैं अच्छे से फ्राई हो चुका है और इससे बहुत अच्छा सा कलर भी आ चुका है। इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारी ग्रेवी बच गई थी उसको हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे और मज़ेदार सा जो हमारी चिकन कढ़ाई का मसाला होगा वो बनेगा। तवा चिकन कढ़ाई है ये और बहुत ही टेस्टफुल तैयार होती है। थोड़ा सा मैं 1/2 कप के करीब पानी भी ऐड करूँगी ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छे से गल जाए, टेंडर हो जाए। तो जो जिसमें ये मैरिनेशन थी उसी में मैं पानी ऐड करूँगी और इसमें ऐड कर दूँगी। तो पानी हमने ऐड कर दिया है, हमारा मसाला भी वेस्ट नहीं हुआ है, उसी में हमने पानी हल करके इसमें ऐड कर दिया है। अभी हम इसको स्लो फ्लेम पे हम इसको पकने देंगे ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छे से टेंडर हो जाए और अच्छे से कुक हो जाए और इसका सारा कच्चापन चला जाए। तो पकने देते हैं इसको। तो चिकन कढ़ाई हमारी रेडी हो चुकी है, तवा कढ़ाई। तो आप देख सकते हैं बहुत ही यमी सी लुक है। तो इसके ऊपर अभी हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे, थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर ऐड करेंगे और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। कसूरी मेथी ऐड कर दी है और अभी हम थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास है ब्राउन प्याज जो कि हमने फ्राई की हुई है, वो इसके ऊपर ऐड करेंगे।